सीतामढ़ी में एक मैं जन आंदोलन छेड़ने जा रहा हूँ, जिस आंदोलन का नाम है मेरा विद्यालय मेरा अधिकार। एक्चुअली सीतामढ़ी के बहुत सारे ड्रॉप आउट है, बच्चे स्कूल से बाहर है, उनको स्कूल में लाने के लिए बड़े मास स्केल पे बच्चों के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा एक प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है जो 22 मई को किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे विद्यालय प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें जितने भी बच्चे स्कूल से लेफ्ट आउट है सभी बच्चों का नामांकन हम लोग सुनिश्चित करवाएंगे। और इस नामांकन में गांव के सभी लोग, सीतामढ़ी के सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और ज्यादा से ज्यादा सभी बच्चों का एडमिशन कराना सुनिश्चित करेंगे। और ऐसे आंदोलन द्वारा लोगों को यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षा जो है वही एकमात्र सॉल्यूशन है जिसके द्वारा तमाम तरह की समस्याओं का निदान किया जा सकता है। बचपन में शिक्षा कितना जरूरी है, जब बड़े होते हैं बच्चे तब यह पता चलता है। जब उनके रोजी रोटी, जब उनके स्किल की समस्या उत्पन्न होती है, जब उनकी बेरोजगारी की समस्या आती है और जब अनस्किल्ड रह जाते हैं तब उनको रोजगार में कितनी समस्या आती है। और सीतामढ़ी जैसे डिस्ट्रिक्ट के लिए जरूरी है कि यहाँ पे सभी बच्चे जो है स्कूल तक जाए, उनका नामांकन हो, उनको सभी तरह की जो सुविधाएं हैं वो मिले। इवन की सेंट्रल और स्टेट स्पॉन्सर्ड कई स्कीम है जो विद्यालय में बच्चों का आकर्षित करने के लिए बनाए गए हैं, पोशाक योजना, साइकिल वितरण का योजना, मिड डे मील स्कीम, इसके अलावा बहुत सारे स्कॉलरशिप भी दिए जा रहे हैं ताकि गरीब पिछड़े हुए बच्चे भी विद्यालय में आए और उनका संपूर्ण रूप से शिक्षण का कार्य संपन्न हो सके। और एक तरह से जन आंदोलन द्वारा केवल शिक्षा की ही नहीं बल्कि शिक्षा के साथ लोगों में अवेयरनेस भी फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षा के साथ साथ दहेज उत्पीड़न के लिए ODF की तरफ बढ़ना है, स्वच्छता की तरफ बढ़ाना है, यानी कि शिक्षा के द्वारा जितनी भी तमाम तरह की समस्या है गांव से लेकर मुख्यालय और शहरों तक तमाम तरह की समस्याओं का निदान जो है जन आंदोलन द्वारा किया जाएगा। यह जन आंदोलन का पहला फेज है जिसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं कि सभी बच्चों का नामांकन विद्यालय में सुनिश्चित किया जाए और हर हालत में सुनिश्चित किया जाएगा। और इसके लिए सीतामढ़ी के सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा और तभी जाके हम अपने सपना को साकार कर पाएंगे और सभी बच्चों का नामांकन जो है सुनिश्चित कर पाएंगे। तो मैं आह्वान करता हूँ कि सभी लोग आगे आए और 22 का जो प्रोग्राम है 22 मई 2018 को प्रभात फेरी का, उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और 23 तारीख को जो विद्यालय प्रवेश उत्सव का प्रोग्राम है उसमें भी सभी लोग हिस्सा ले, कल्चरली प्रोग्राम करे, बच्चों को मोटिवेट करे, छोटे से लेकर बड़े बच्चे जिस भी एज ग्रुप के हैं सभी बच्चों का रेस्पेक्टिव स्कूल्स में एडमिशन कराने के लिए आगे आए। खासकर जो जनप्रतिनिधि है, मुखिया से लेकर MLA और दूसरे जनप्रतिनिधि है, सब लोग इसमें शरीक हो और इस जन आंदोलन को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें और ज्यादा से ज्यादा वो मेहनत करें और हमारे आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद।